खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। तो देश में जारी कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। उन्होंने कोरोना से लगातार निपटने के लिए कई सारे सुझाव भी दिए। लगातार बढ़ते संकट और लॉकडाउन की वजह से आ रही मुश्किलों पर बात की। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को लॉकडाउन खोलने की नीति जनता को बतानी चाहिए। न्याय योजना की तर्ज पर मजदूरों के खाते में सीधे पैसे जमा करने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार को कुछ सुझाव देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की जाए, लॉकडाउन खोलने की तैयारी की जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर रणनीति बनाएं। उन्होंने कहा कि अब सरकार को जनता को बताना चाहिए कि आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, जनता को बताना चाहिए कि किस परिस्थिति में लॉकडाउन को खोला जाएगा। ये महामारी काफी खतरनाक हो गई है, लॉकडाउन के दौरान काफी कुछ बदल गया है। आप किसी भी कारोबारी से पूछेंगे तो पता चलेगा कि सप्लाई चेन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। प्रवासी मजदूर, गरीब, छोटे कारोबारी आज पैसे की उन्हें जरूरत है, नौकरी जाने की सुनामी आ जाएगी। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। दो तीन इसपे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 10,000 रुपए अर्जेंट इनकम सपोर्ट किसानों को, तो और हमने जो न्याय की बात की है उसमें किसान भी इंक्लूडेड होंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, मगर अब डिले नहीं करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री को कहता हूँ, डायरेक्टली यहां से कहता हूं कि अब आप प्लीज डिले मत कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। Of injecting immediately 7,500 rupees directly into 50% of Indian households is critical and it's not such a big ask price. Second, the idea that we can simply let our job creators drown, this is not feasible. We have to protect them. We have to make sure that we give them a wage protection scheme. 1,00,000 crore wage protection scheme and 1,00,000 crore credit guarantee scheme to MSMEs. And then we have to give them 6-month interest subsidy. So we have to build a wall for them so that they can fight what is coming. तो जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरा मेन उसमें मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए, उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं।